Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, this is day 2 of the Blade 12 weeks cutting program और आज हम लगाएंगे chest और abs. और chest में हम वो सारी exercises करेंगे जो आपके upper packs, आपके mid packs, lower packs तीनों को target करती है. और साथ ही साथ ऐसी variations और ऐसे drop sets और giant sets मैंने include किए हैं इस आज की exercise में जो आपके chest को, आपके pectoral muscle को पूरी तरीके से target करेगी. और abs के लिए भी हम बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं जो आपके अपर एब्स, लोअर एब्स, आपके कोर स्ट्रेंथनिंग, ऑब्लिक्स सबको टारगेट करेगी. एंड फॉर गर्ल्स इट्स गोना बी वर्किंग द चेस्ट एंड द एब्स एज़ वेल. इट्स रियली इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर गर्ल्स एज़ वेल टू वर्क द चेस्ट फॉर गुड पोस्चर. एब्सोल्युटली. सो गाइस लेट्स गो हिट द चेस्ट एंड एब्स. सो वी स्टार्टिंग ऑफ विद द वार्म अप स्ट्रेचेस जो हम 10 मिनट्स के लिए करेंगे. शोल्डर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर जॉइंट्स को खोलने के लिए बिफोर हिटिंग द चेस्ट वर्कआउट. और जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं रिहैब शोल्डर जॉइंट्स, रोटेटर कफ्स को वार्म अप कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड नाउ ट्विस्टिंग द रिस्ट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स उसको मोबिलाइज और मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए. और रिस्ट को स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे. एंड अगेन योर ट्राइसेप्स, ट्राइसेप इन्वॉल्वमेंट भी होगा हमारी एक्सरसाइजेज में. सो बैक, लोअर बैक, अपर बैक. नाउ शोल्डर मूवमेंट पूरी तरीके से शोल्डर मोबिलाइज हो आपका. एंड फ्यू पुशअप्स बिफोर स्टार्टिंग द वर्कआउट. 10-20 रेपिटेशन आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेंच प्रेस और इसके हम 4 सेट्स लेंगे फॉर 6-8 रेपिटेशन्स. और सेट्स के बीच में 2 मिनट्स का हमारा रेस्ट रहेगा फॉर 2 मिनट्स. और बिफोर स्टार्टिंग द वर्किंग सेट्स आप वार्म अप पूरी तरीके से ले लें. लिलियन का ये वर्किंग सेट है बट इससे पहले उन्होंने वार्म अप सेट लिया है प्लेन स्मॉल डंबल्स से. और वर्किंग सेट जिस तरह से आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर स्पॉट देना है अपने स्पॉटर को टू गेट दैट 6-8 रेपिटेशंस. बहुत हैवी वेट है 6-8 रेपिटेशंस के लिए. सो मेक श्योर यू हैव अ स्पॉटर. सो वर्किंग सेट्स में आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका बारबेल जो है वो आपके चेस्ट में टच हो सो दैट यू गेट द प्रॉपर स्ट्रेच. एंड कॉन्ट्रैक्ट करें आप अपने ह्यूमरस बोन को, क्लोज लाएं ताकि आपके चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो. हैवी वेट उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट मूव करना है. इट्स ऑल अबाउट द राइट स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन. सेम गोज़ विद द फीमेल्स. आपको भी कंट्रोल करना है अपने नेगेटिव्स को और प्रॉपर चेस्ट को टच करना है स्लो एंड स्टेडी फॉर्म में. एंड कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स व्हेन यू गोइंग अप. इस एक्सरसाइज के लास्ट वर्किंग सेट में हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ ड्रॉप हो और आप 1 या 2 रेपिटेशंस कम निकालें. बट दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हिटिंग द मसल, स्ट्रेचिंग द मसल, आप ग्रो कर रहे हैं. सेकेंड एक्सरसाइज इज इंक्लाइंड डंबल प्रेसेस और इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे और 1 ड्रॉप सेट लगाएंगे. जो 3 सेट्स होंगे आपके वो 8-10 रेपिटेशंस के होंगे और उसमें हम लास्ट जो आपका रेप होगा उसको 3 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे स्ट्रेच. सो दिस इज हाउ यू होल्ड योर स्ट्रेच फॉर 3 सेकेंड्स जो आपका लास्ट रेपिटेशन होगा.
इस एक्सरसाइज में रेस्ट पीरियड आपका उतना ही रहेगा जितना टाइम आपको एक पार्टनर को फिनिश करने में लगे। और सेम गोज विद द फीमेल्स, आप 8 to 10 रेपिटेशंस लगाएंगे एंड द लास्ट रेपिटेशंस आप 3 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। वन की टिप अबाउट द डंबल प्रेसेस, जो रेंज ऑफ मोशन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेच आपको प्रॉपर मिलना चाहिए, लेकिन ओवर स्ट्रेच नहीं। आपके शोल्डर्स पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए बल्कि आपके चेस्ट पे, राइट? सो मेक श्योर रेंज ऑफ मोशन आपका प्रॉपर हो, फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड फुल स्ट्रेच। एंड कंट्रोलिंग द वेट्स वाइल कमिंग डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव्स पे आपको स्लो टेम्पो में आना है, ज़्यादा फास्ट नहीं आना है। तीसरे सेट के बाद एक ड्रॉप सेट लेंगे आप, जो 7 सेकेंड होल्ड ट्रेनिंग के हिसाब से लगाएंगे, यानी कि आपको 7 सेकेंड्स स्ट्रेच में होल्ड करना है, देन 7 सेकेंड्स कॉन्ट्रैक्शन में होल्ड करना है, देन अगेन 7 टाइम्स आपको रिपीट करना है इसको, यानी कि 7 रेपिटेशंस लेने हैं। सेम गोज विद द फीमेल्स, प्रॉपर आपको नेगेटिव्स को कंट्रोल करना है, वेट्स को ड्रॉप नहीं करना है एकदम से। एंड ड्रॉप सेट आपका होगा 7 सेकेंड्स होल्ड ट्रेनिंग, सेम 7 रेपिटेशंस फॉर दैट। थर्ड एक्सरसाइज इज डिक्लाइन डंबल फ्लाइज, विच वी आर सुपर सेटिंग विद केबल प्रेस 2 सेकेंड होल्ड, और इसके हम 3 सेट्स लेंगे 10 to 12 रेपिटेशंस। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं डंबल्स को ज़्यादा फ्लेयर नहीं कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम फीलिंग द स्ट्रेच ऑन माई चेस्ट ऑन माई लोअर पैक्स, दैट्स इट, आई एम कमिंग बैक। केबल प्रेसेस बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है गाइज, और इसको लगाने का तरीका है कि आप स्ट्रेच करेंगे और 2 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करेंगे सामने, एंड देन यू गो बैक टू स्ट्रेच फॉर 1 सेकेंड एंड कम बैक अगेन। सो इस मेथड से आप लगाएंगे 10 टू 12 रेपिटेशंस, और प्रॉपर आपकी बॉडी रॉक नहीं होनी चाहिए, स्टेबल फॉर्म में आप अपर बॉडी को रखेंगे और लोअर बॉडी को, और सिर्फ अपने पेक्टोरल मसल का एक्टिवेशन करेंगे। फीमेल्स के लिए भी आप डंबल्स, लाइट डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और टारगेट करें अपने लोअर पैक्स को, और फ्लेयर ज़्यादा ना करें अपने एल्बोज को, ताकि आपके शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर ना हो। एंड यू कैन आस्क द स्पॉटर टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस।
और दूसरी एक्सरसाइज फॉर फीमेल एग्जैक्टली आपको वैसे ही परफॉर्म करना है, 2 seconds का होल्ड करना है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड अ स्लो स्ट्रेच. तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है फॉर डिवेलपिंग द मसल एंड माइंड कनेक्शन, एंड ये बहुत ही अच्छा बर्न और एक्टिवेशन फील कराएगी आपको आपके पैक्स में. Now the fourth exercise is the inclined dumbbell fly, which we are supersetting it with a new exercise, guillotine press, slow negatives, और इसके हम 3 sets लेंगे, 10 to 12 repetitions. Again, आपको अपने elbows को उतना ही flare करना है जितना आपके upper pecs को stretch मिले, shoulder पे ज़्यादा आपको pressure नहीं डालना है. It's a very deadly exercise. नाउ गुलोटाइन प्रेस को आप सिर्फ और सिर्फ स्मिथ मशीन में ही लगाएंगे और वो भी बहुत लाइट वेट से. और बेसिक आइडिया इसका ये है कि आपको बहुत ही स्लो नेगेटिव्स में लाना है और क्विक प्रेस करना है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है उसको जल्दी करना है कंप्लीट. एंड वी टारगेटिंग दी अपर पैक्स, जो आपकी अपर पैक्स होते हैं, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है चेस्ट का, उसको टारगेट कर रहे हैं. एंड फीमेल्स, मेक श्योर कि आप राइट वेट, सही वेट इस्तेमाल करें, ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल ना करें, एज लॉन्ग एज यू हिटिंग द मसल. फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज सेम फॉर्म, सुपर स्लो नेगेटिव्स, और आप स्मिथ मशीन में विदाउट वेट्स भी लगा सकती हैं. So we're starting off with the abs exercises. पहली exercise है crunches high leg, leg raise and oblique crunches, जिसके हम 4 sets लेंगे. Crunches high leg के हम 50 repetitions लगाएंगे, then leg raise के हम 20 repetitions और oblique crunches के हम 20 repetitions. And as you can see the form, आपको बहुत ही ध्यान से इस exercise को लगाना है, target करना है अपने core को, contract करना है अपने abs को. And the obliques, आपको अपने obliques को squeeze करना है every time you come up and stretch your obliques when you're going down. Breathing is also very important. जब आप ऊपर आ रहे हैं तो you exhale and when you're coming down, you inhale. Second exercise हम लगा रहे हैं hanging knee raise and wood chopper. इसके हम 3 sets लगाएंगे और 20 repetitions each exercise. मेक श्योर जब आप हैंगिंग नी रेज लगा रहे हैं तो आपका अपर बॉडी ज़्यादा मूव ना करे, ट्राई टू मेंटेन द पोस्चर और कॉन्ट्रैक्ट करिए अपने लोअर एब्स को, अपने मिड एब्स को. वुड चॉपर एक्सरसाइज में यू हैव टू डू 20 repetitions ईच साइड और मेंटेन करना है आपको अपने टोर्सो को, सिर्फ और सिर्फ ऑप्लीक को टारगेट करना है. जिस तरह से मैं डायगनली पुश कर रहा हूँ नीचे केबल को, उस तरह से आपको अपने एक साइड को टारगेट करना है, देन चेंज करना है दूसरे साइड, 20 repetitions. सेम गोज विद द फीमेल्स, अगर आपकी बॉडी रॉक कर रही है आगे पीछे तो आस्क योर स्पॉटर टू स्पॉट यू.
So guys, that's it for today. We'll see you tomorrow. Take care. Jeet Salal, signing off.